अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक टीम के रूप में भारत का पदार्पण 1932 में हुआ था, जब पोरबंदर के महाराज सी के नायडू की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था। दोनों टीमों के बीच 25 से 28 जून 1932 को लॉर्ड्स के मैदान पर एक टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं भारत की पहली टेस्ट टीम में शामिल खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 1, अमर सिंह लोरहा। ये दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और निचले क्रम के प्रभावी बल्लेबाज थे। नंबर 2, सोराबजी कोल्हा। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। नंबर 3, मोहम्मद जहांगीर खान। ये दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। नंबर 4, लाल सिंह। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के धीमी गति के गेंदबाज थे। नंबर 5, नाउमल जुमाल। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज थे। नंबर 6, जनार्दन नावले। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर थे। नंबर 7, सी के नायडू। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, दाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज थे। नंबर 8, नजीर अली। ये दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और एक अच्छे क्षेत्र रक्षक थे। नंबर 9, मोहम्मद निस्सार। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। उन्हें आजादी से पहले भारत का सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। नंबर 10, फिरोज पालिया। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज थे। नंबर 11, वजीर अली। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। तो ये थी भारत की पहली क्रिकेट टीम। उम्मीद है आपको इनसे मिलकर खुशी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें।